हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आपको ये सोफ़ा बना के दिखाने वाला हूँ। ये 3+2+2 है। मैं वीडियो में केवल आपको 3+2 का ही इमेज दिखा रहा हूँ। तो ये कैसे बनाया है, मैं इसमें केवल आपको 2 वाली सीट बना के दिखाऊँगा। बनाने का तरीका सबका सेम ही है। तो एक सीट आप जैसे मैं दिखाऊँगा आपको बना के, वैसे ही सभी सीटें बनेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए देखिए, पहले आपको 12 mm के प्लाई से कुछ इस तरीके से पीस काट लेने हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसी तरह से आपको पीस काट के रेडी करना है और इसके बाद इनको जोड़ना है। इन्हें जोड़ने के लिए देखिए, आपको इस तरीके से रखना है और इसमें कीलें लगानी है अच्छी तरह। लेकिन पहले आपको नीचे एक लकड़ी का गुटका रख लेना है ताकि उसकी मजबूती बनी रहे। अगर मशीन आपके पास नहीं है तो हथौड़ी और कील से भी इसको जोड़ सकते हैं। मैं मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, ये पीस मैंने लगाया और नीचे लकड़ी या गुटका लगा के दोनों पीस को मैंने अच्छी तरह जोड़ दिया है, जैसा वीडियो में आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपको दोनों पीस तैयार कर लेने हैं, ये वाले। तो ये इस तरीके से हमारे तैयार होंगे। लकड़ी आपको अंदर की तरफ लगानी है। तो ये हम 2 सीट है, क्योंकि हमारी गद्दे ना 21 इंची चौड़ी आती है, तो 42 इंची में मैं इसको बनाऊँगा। तो किनारे किनारे आधा आधा इंची का प्लाई आ गया, तो मैंने लकड़ी ये काट रखी है 41 इंची में। तो टोटल मिला के हमारा 42 इंची हो जाएगा। तो दोस्तों, ढांचा ठोकने के लिए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में दिखा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखना आप, किस तरह से ढांचा ठोकते हैं इसका। और फ्रेंड्स, वीडियो देखते देखते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और जब आप ढांचा बनाएंगे तो कोशिश करना कोई लकड़ी उसमें ना ढीली नहीं रहे। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी लगानी है और अपने हिसाब से ना सोफे को मजबूती देनी है। अगर आपको अपने आप से लग रहा है कि कहीं यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर लकड़ी लगा दें। आपको कंजूसी नहीं करनी है इसमें ना। जितना फ्रेम मजबूत होगा आपका सोफ़ा, उतना ज़्यादा चलेगा और उतनी ज़्यादा मजबूती उसमें आएगी। तो देखिए, इस तरीके से लंबे वाली लकड़ियाँ सारी लग चुकी हैं इसमें। ये सारी लकड़ियाँ लगाने के बाद मैं आगे फ्रंट में डबल लकड़ी लगा रहा हूँ। देखिए, इससे क्या होता है, थोड़ी सी ना मजबूती मिल जाती है आगे और पीछे टॉप पर। डबल लकड़ी करने से थोड़ी मजबूती मिल जाएगी। तो ये पूरा ढांचा ठुक के रेडी हो गया। और देखिए, मुझे जहाँ जहाँ लगा कि सपोर्ट की ज़रूरत है, सोफ़ा झुक सकता है ये पीछे हो सकता है, तो वहाँ मैंने एक्स्ट्रा लकड़ी लगा दी। तो इसी तरह आप भी अगर चाहें एक लकड़ी एक्स्ट्रा लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उतनी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो ये इतना काम करने के बाद देखिए मैंने क्या किया, इसमें ना कोने में लगा दिया लकड़ी और, ताकि हिले ना। ये देखिए, ये वाले कोने इस तरह से कुछ मैंने लगाए हैं, ये लगे हैं इसमें चारों तरफ। इससे क्या होगा, आपका सोफ़ा बाद में हिलेगा नहीं, मजबूती और मिलेगी। तो ये हमारा कम्प्लीट ढांचा ठुक के रेडी हो गया है। अब हम इसमें आगे काम करेंगे। अब हमें देखिए, पीछे बैक में सपोर्ट देने के लिए फोम को हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये बेल्ट आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो ये बेल्ट किस तरीके से लगानी है, इस वीडियो में देखना आप। मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसे लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें ना पिनें अच्छी तरह लगानी है। यानी कि एक ही दो दो पिन लगा दी आपने, आपको 8-8 पिन कम से कम एक जगह लगा देनी है, जिससे मजबूती बनी रहे। वरना ये बाद में क्या होगा, निकल जाएगी आपकी बेल्ट ना। तो अच्छे से इसमें पिनें लगानी है आपको। देखिए, ऊपर तो आपने इस तरह लगानी है और एक बेल्ट आपने बीच में इस तरीके से लगा देनी है। और इसको ना हाथ से बहुत टाइट करके आपको खींचना है, ताकि उसमें लचक बनी रहे। इसके बाद आपको नीचे लगानी है। देखिए, नीचे ना आपको 1.5-1.5 इंची की दूरी पे लगानी है। ये ज़्यादा दूर करके आपको नहीं लगानी है, वरना आपका सोफ़ा जो है कमज़ोर हो जाएगा। 1.5-1.5 इंची से कम ही रखें अगर हो सके तो आप, ठीक है। और बेल्ट को ना आपको अच्छी तरह खींच के लगाना है, और पिने भी जितना हो सके अच्छी तरह लगानी है। तो देखिए, मैंने नीचे की जाली तैयार कर दी। इसी तरह आपको भी अपना सोफ़ा तैयार करना है। तो ये हमारा लगभग इतना काम कंप्लीट हो गया है इसका। तो जैसे मैंने ये सीट बनाई है, इसी तरह मैंने बाकी की 3 सीटें भी तैयार कर ली। मैं 3+2+2 में इसको बनाने वाला हूँ। अब हम इनके हैंडल तैयार करेंगे। हैंडल तैयार करने के लिए मैंने ना ये पीस काट रखे हैं 7 इंची × 20 इंची में। तो ये मैंने टोटल मिला के 6 पीस काटे हैं। तो इसमें मैंने एक गोराई का निशान भी लगा लिया है ऊपर, क्योंकि गोल में मैं बनाने वाला हूँ। इसको मैं जिग्सो मशीन की सहायता से काट लूँगा। मैं काट के आपको दिखाता हूँ। देखिए, इससे आपको गोलाई काटने में आसानी रहती है इस मशीन से। आप चाहे कटर से भी काट सकते हैं, पर थोड़ा टाइम आपको लगता है। तो देखिए, ये पीस मेरे कट के रेडी हो चुके हैं सारे के सारे। अब हम इसमें अपनी लकड़ी लगाएंगे। ये लकड़ियाँ मैंने 30 इंची में काटी हैं और आधा आधा इंची की हमारी प्लाई आ जाएगी, तो 31 इंची हो जाएगा। हमारा सोफ़ा भी 31 इंची चौड़ा है। तो फटाफट से मैं इसको तैयार करके दिखाता हूँ आपको।
तो इस तरीके से आपने हैंडल अपना रेडी कर लेना है, और सेम ऐसे ही हम अपने बाकी के हैंडल रेडी करेंगे जो हमें अपनी और सीट पर लगाना है। तो देखिए आप ध्यान से मैंने लकड़ी किस तरीके से लगाई है, ऐसे ही आपको भी लकड़ियाँ लगानी है और मज़बूती से लगानी है, कीलें अच्छी तरह लगानी है आपने। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने बेल्ट लगाई थी इसके ऊपर हमको कोई टाट लगा देनी है, या फिर अगर आपके पास कपड़ा है, मेरे पास देखिए पुराना कपड़ा बचा हुआ था मैं वो लगा दे रहा हूँ, बाकी इसके ऊपर आपको टाट लगा देनी है बैक में भी और नीचे भी दोनों तरफ। और इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारा जो हैंडल है, हैंडल पे भी आप पूरा कपड़ा एक बार में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कतरे बची हुए हैं जिन्हें बेल्ट की तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो बेल्ट भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम हैंडल को भी कवर कर देंगे पूरा अच्छी तरह, ताकि पूरी मज़बूती उसको मिले। तो ऐसे ही अपने बाकी सारे हैंडल भी रेडी करने हैं। अब हम 1 इंची की एक हिटलॉन ले रहे हैं, जिसमें से मैंने 14 इंची का पीस काटा है। ये इस तरीके से काट के देखिए, आगे से 4 इंची और साइडों से 4 इंची छोड़ के मैं इसको चिपका दूंगा। चिपकाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्प्रे गन से मैं SR का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं यदि आपके पास मशीन नहीं है। तो ये चिपका दिया मैंने देखिए अच्छे तरीके से। इसके बाद हमें 21x22 वाली गद्दी है हमारी, तो 21 इंची को मैं फ्रंट में रखना है, उस हिसाब से हम इस पर ग्लू लगाकर दोनों गद्दियों को चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए ना इसमें बहुत अच्छी तरह आपको SR ग्लू लगाना है, ताकि ये बाद में उतरे ना, क्योंकि अगर ये उतरेगा बाद में तो आपका सोफ़ा गंदा दिखाई देगा। तो इसको देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से दबा के चिपकाया है। तो क्योंकि हमारा गहराई में 22 इंची है और सोफ़ा हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ना 2 इंची का पीस और जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, अलग से फोम का 1-2 इंची का पीस काटा है और वो मैं इस पर चिपका दे रहा हूँ। ये देखिए इसी तरीके से आपको भी अच्छी तरह दबा के चिपकाना है, ताकि ये बाद में निकले ना। मैं इसमें चारों तरफ अच्छी तरह ग्लू लगा के अपने सोफ़े पे भी और फोम पे भी इसको अच्छी तरह दबा के चिपका लूँगा। ये देखिए ये लग के रेडी हो गया है हमारा नीचे वाले हिस्से फोम। इसी तरह हम इसके पीछे वाले हिस्से पे फोम लगाएंगे, वही SR का यूज़ करेंगे लगाने के लिए। और जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो ये हमारा फोम कंप्लीट हो गया है, बाकी किनारे में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम इसमें 1/2 इंची की फोम लगाएँगे। तो इस ये हम दोनों तरफ लगाएँगे अपने सोफ़े पर। तो मैं फटाफट से लगा देता हूँ इसको भी, और लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो कैंची से काट के हम लोग निकाल देंगे। इसके बाद मैंने देखिए फ्रंट वाला जो हिस्सा है, सबसे फ्रंट में एक येलो कलर की ना 6 इंची की पट्टी और चिपका दी है। अब हम इस पर कपड़ा लगाएंगे, तो कपड़ा लगाने का मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा। इसमें देखिए हमारा ने दोनों मिला के 42 इंची चौड़ा हो रहा है, ठीक है, और आगे से 6 इंची है और 1 इंची हम लोग नीचे पिन लगाने के लिए रखेंगे, ठीक है। तो और बाकी हम इसकी गहराई नाप लेंगे, 30 इंची है तो हम 30 इंची पूरा ही ले लेंगे, यानी कि हमारा 6 इंची फ्रंट में रहेगा और 1 इंची आगे, यानी कि 7 इंची, और 30 इंची 37 इंची काटेंगे। और चौड़ाई में हमारा ये जो सोफ़ा है ये 42 इंची है, तो 1 इंची फालतू कर लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंची सिलाई में चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसका कपड़ा कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर निशान लगा लिया, मैं लाइन खींच रहा हूँ, हमने चौड़ाई में 37 इंची नापा था, तो 37 इंची पे निशान लगा के मैंने एक लाइन खींच ली है, ये पूरी लंबी लाइन खींच के इसको हम काट लेंगे। ये काट लेने के बाद इसकी फ्रंट से जो हमने चौड़ाई नापी थी वो थी हमारी 21-21 यानी 42 इंची, और आधा आधा इंची हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे, तो हम इसको 43 इंची में नाप के कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा कपड़ा जो इसके फ्रंट में लगेगा बैठने वाली जगह पे, वो हमारा काट के तैयार हो गया है। इसके बाद हमें साइड से भी इसमें पीस सिलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 6-6 इंची के पीस काट लेंगे, और लंबाई में ये हमारा 30 इंची है, तो 31 इंची कर लेंगे, नहीं 31 इंची है, इसको 32 इंची कर लेंगे 1 इंची बड़ा, और चौड़ाई में इसको 6 इंची काट लेंगे एक पीस, और इसको सिलने के लिए हम तैयार करेंगे। तो क्योंकि साइड में भी हमें पीस चाहिए होगा, तो जो हमारा पीस ये निकला ना हमारा ये 42-43 इंची काटने के बाद, इसी में से हमारे 2 पीस निकल जाएंगे, तो मैं काट के इनको भी रेडी कर लूँगा। ये काम करने के बाद हमारा जो बचा हुआ पीस है उसको हम 1/2 इंची की फोम के ऊपर इस तरीके से रख के ना ये SR लगा के इस तरह से धीरे धीरे फट्टी से ना इस तरह चिपका देंगे, ताकि सिल बट ना आए।
ये आपको ना दोनों तरफ से बढ़िया करके चिपकाना है। देखिए जैसे मैं चिपका रहा हूँ, क्योंकि इस पे हमें बाद में सिलाई लगानी है ताकि वो डिज़ाइन कपड़े में दिखाई दे। तो ये देखिए मैंने चिपका लिया ये अच्छी तरह फटाफट। अब हम क्या करेंगे, इसको जो एक्स्ट्रा है ये कैंची से काट के निकाल देंगे। इसके बाद हम इसको उल्टा पलट लेंगे और इधर वाली साइड ये काला कपड़ा आता है बहुत बारीक वाला, इसको चिपकाएंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमारी फोम ना फटे। तो इसको फटाफट से चिपका लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पीछे एसआर लगा के इसको अच्छी तरह चिपका लिया है कपड़े को। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे, हाथों से अच्छी तरह दबा लेंगे, सिलबटों को निकाल देंगे और सीधा कर लेंगे। अब हमें क्योंकि इस पर ना सिलाई लगानी है तो लंबी पट्टियाँ हमको बनानी है। मैं 4-4 इंची की दूरी पर बनाऊँगा, तो उस हिसाब से मैं 4-4 इंची की दूरी पर इसमें लाइनें बना लूँगा। मैंने पहले ही दोनों तरफ ना आधा आधा इंची सिलाई के लिए छोड़ दिया है, बाकी में मैंने 4-4 इंची गैप में लाइनें बना दी हैं और इस पर हम अब सिलाई लगाएंगे। तो जो मैंने लाइनें खींची हुई थी उन्हीं के ऊपर हम सारी लाइनों पर सिलाई मार देंगे और अपने किनारे वाले पीस को भी इस पर सिल लेंगे, तो हमारा सोफ़े का कवर रेडी हो जाएगा। मैं आपको अब लगा के दिखाता हूँ इसको। देखिए इसको सीधा कर लेना आपने सिलने के बाद ना, कोनों को अच्छी तरह निकालना है आपने और इसको लगाना है इस पर। तो वीडियो में आप देखते रहिए। देखिए ये देखिए आपको पहले एक कोना एक साइड से फंसाना है, क्योंकि ये पिछलेगा नहीं, इस पर नहीं फोम पे चिपकता है कपड़ा। और दूसरी साइड से दूसरा कोना आपने इस तरीके से लगाना है और इसको अच्छी तरीके से फंसाना है, इसमें बैठा देना है मतलब आपको। इसके बाद आपको ना दोनों तरफ पीछे यहाँ कट लगाना है। कट ज़्यादा लंबा नहीं करना है आपको, जितना ज़रूरत है उससे आधा इंच छोटा ही रखें, क्योंकि आपका ना फोम वरना पीछे जाएगा नहीं। तो देखिए मैं केवल जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वहीं तक कट लगा रहा हूँ, ज़्यादा गहरा कट आपने लगाना है। और इसको इस तरीके से पीछे हम मोड़ के फंसा देंगे। अभी हम इसमें पिन नहीं लगा रहे हैं, पिन हम इसमें पहले बाद में लगाएंगे। पहले इसको बराबर तरीके से ना बैठाएंगे और स्टेपल से चारों तरफ इसमें पिन लगा के इसको पक्का कर देंगे। तो डायरेक्टली मैं पक्का करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। इतना फंसाने के बाद जस्ट आपको इसमें पिन ही लगानी है, बाकी काम नहीं करना है। ये देखिए ये काम करने के बाद हमारा सोफ़े का नीचे वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। पूरा फिनिशिंग का भी हमने इसमें कंप्लीट ध्यान रखा है। अब हम इसकी बैक को सिलेंगे। बैक सिलने के लिए देखिए इसकी चौड़ाई ना वही हमारी 42 इंची थी, आधा आधा इंची सिलाई के लिए छोड़ेंगे तो 43 इंची चौड़ी रखेंगे। और बाकी लंबाई मैंने इसको यहाँ से ले कर देखिए मैं पूरा इसको पीछे तक नापूँगा और 1.5 इंची 1-1 इंची आपको पिन में दबाने के लिए चाहिए होता है मार्जिन, तो उतना आप एक्स्ट्रा ले लें, उसको भी साथ में नाप लें। तो ये नापने के बाद मैं ये कपड़ा कट कर लूँगा। थोड़ा थोड़ा फालतू ही लेकर चलें अगर आप पहली बार कर रहे हैं। बाकी किनारे वाले पीस काटने के लिए ना आपको चौक से पहले निशान लेना पड़ेगा इसका, उसके बाद ही आप काटेंगे, वरना डायरेक्टली नहीं काट पाएंगे, वो आपका ख़राब हो जाएगा। आपको देखिए दोनों साइड के 2 पीस चाहिए, तो 2 पीस मैंने ये निकाल लिए हैं। अभी मैंने इनको ना ढांचे में काटा नहीं है। इसको ढांचे में काटने के लिए देखिए इसको इस तरह से चिपका के रखेंगे और चौक से इसका निशान लगा लेंगे आगे वाला जो टेपर है। तो ये निशान लगाने के बाद हम उसको आधा आधा इंची फालतू काट लेंगे सिलाई के लिए। तो ये देखिए ये निशान कुछ इस तरीके से आएगा आपका। मैंने आधा आधा इंची फालतू कर लिया सिलाई के लिए और इसको मैं कट कर लूँगा। और कट करने के बाद हम इसको अपने दूसरे वाले जो टॉप का कपड़ा था उस पर सिल देंगे और सिलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके बाद इसको हम अपनी जो बैक है बैक के ऊपर आपको बस चढ़ा देना है, क्योंकि हमने पहले ही फरमे में काट के इसको सिल रखा है, तो ये आपका बिल्कुल फिट आएगा। और इसमें नीचे पीछे और साइडों में पिने लगा के इसको पक्का कर लेना है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको। इसके बाद हमारा सोफ़ा देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम इसके हैंडल बनाएंगे। देखिए वो जो वीडियो में मैंने पहले आपको दिखाया था जिसमें मैंने कपड़े की कतरे लगाई थी बेल्ट की तरह इस्तेमाल की थी, वो इसका दूसरा वाला हैंडल था। ये दूसरा वाला है जिसमें मैंने एक बार में पूरी टाट लगा दी है, तो आप कंफ्यूज मत होना इसको लेके। ये दूसरा वाला हैंडल है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको। तो अब मैं इस पर स्प्रे से एसआर लगा के इस पर फोम का टुकड़ा चिपकाऊंगा। मैं पहले इस पर ना 1 फिट का फोम का टुकड़ा ऊपर की तरफ चिपका रहा हूँ खाली ऊपर, और ये थोड़ा छोटा पड़ गया था मैंने तो जॉइंट लगा दिया मैंने इसमें। आप भी जॉइंट लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी एक्स्ट्रा हिस्से को मैं काट दूँगा। अब देखिए मैं इसको लेटा के ना जो हमारा हत्ते का बेस है उसके बराबर बराबर इसको काट लूँगा, लेकिन जो हमारा उतर रहा है पहले उसे ठीक से चिपकाएंगे। कोने ठीक से चिपकाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना तभी आपका जो सोफ़ा का हैंडल है उसमें शेप अच्छा आएगा, वरना आपका शेप अच्छा नहीं आएगा, वो मोटा पतला दिखाई देगा आपका। अब देखिए मैं एक आरी है मेरे पास, लोहा काटते हैं जिससे वाली आरी का ब्लेड है, तो बिल्कुल देखिए बेस से मिला के मैं आरी को सीधा रख रहा हूँ और इसकी कटिंग कर दे रहा हूँ। ये देखिए इसी तरह आपने भी कटिंग कर लेनी है दोनों तरफ से।
ये एक्स्ट्रा फोम लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी गद्दी जो है हत्थे की वो ऊपर से ज़्यादा मतलब मुलायम रहेगी, आपके हाथ पे लकड़ी एकदम से नहीं टकराएगी। तो देखिए मैंने बेस बराबर कर लिया है, खाली ऊपर वाले हिस्से से मोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी फोम चिपका देंगे और दूसरी साइड जो हमारा अंदर की तरफ आएगा उसमें केवल आधे तक फोम चिपकाएंगे, जहाँ तक हमें ज़रूरत है। पूरे पे लगाना चाहो पूरे पे भी लगा सकते हैं। तो फटाफट से फोम लगाने के बाद मैं हत्थे को आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने ना आगे पीछे भी आधा आधा इंच की फोम चिपका दी और एक खाली हिस्सा हमारा अंदर आ जाएगा। अब कपड़ा चढ़ाने के लिए देखिए मैं चारों तरफ से इंची टेप घुमा के इसे नापूंगा और डेढ़ डेढ़ इंची दोनों तरफ फालतू कर लूँगा, ताकि पिन लगाने के लिए हमें आसानी रहे। इसके बाद हम इसकी लंबाई नापेंगे और जितनी लंबाई है आधा आधा इंची फालतू कर लेंगे सिलाई के लिए। और ऐसा ही हम फ्रंट वाले हिस्से के साथ करेंगे, बिल्कुल इसी शेप में काट के उसको हम आधा आधा इंची फालतू रखेंगे फ्रंट वाला। और ये जो बाकी कपड़ा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, चार चार इंची की दूरी पे लाइन लगानी है और इसके पीछे हमने फोम चिपका लिया और बारीक वाला कपड़ा भी चिपका रखा है फोम बीच में, ताकि सिलाई मारने में आसानी रहे। तो ये मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको सिलाई मार के। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इस पर सिलाई मारने के बाद आपको अपना जो कवर है हैंडल पर चढ़ा के दिखाऊँगा। तो दोस्तों सिलाई करने का तरीका सेम ही है, आपको बस कपड़ा सामने सामने रख के सिल देना है। सिलने के बाद जब आप तैयार करेंगे तो कुछ इस तरीके का हैंडल आपके पास आएगा। आपको इसे चढ़ाने के लिए ना पहले इसको उल्टा कर लेना है, क्योंकि सीधा आप चढ़ाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है और आपको फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसको उल्टा करके आप बहुत ईजीली और आराम से इसको चढ़ा लेते हैं। देखिए उल्टा आप इसको रखेंगे इस तरीके से और हाथ से इसको ना नीचे की तरफ सरका देंगे इस तरह से। तो ऐसे में क्या है, आपकी ना फोम भी नहीं फटती और आप बहुत आराम से इसको चढ़ा लेंगे। तो फटाफट से चढ़ा लेते हैं इसको। ये देखिए ये कपड़ा चढ़ चुका है, बाकी सामने से जो सिलाई टेढ़ी दिख रही है वो जब आप खींच के ना स्टेपल की पिन लगाएंगे तो वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि आपको खींच के ही लगानी पड़ेगी पिन भी ना उसमें। मैं आपको इसे पिन लगा के भी दिखा देता हूँ फटाफट से, सोफ़े के ऊपर रख लूँगा ताकि हमारा कपड़ा ख़राब ना हो। ठीक है, हमें साथ के साथ सोफ़े का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें स्क्रैच लग गया तो पूरा आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। आपको कपड़े को ना जितना हो सके खींच के और टाइट करके रखना है और उसमें ना एक एक करके पिन लगाते हुए जाना है। फटाफट से लगाते हैं हम इसमें पिन और ये हैंडल अपना कम्प्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हैंडल जो है कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अपने दोनों हैंडल कंप्लीट करके हम अपने सोफ़े पे लगाएंगे। सोफ़े में लगाने के लिए ना आपको हैंडल को इस तरीके से लेटा लेना है और नीचे कुछ फोम रख लेनी है, ताकि आपका कपड़ा ना फटे। और अपने सोफ़े के एक हिस्से को इसके ऊपर रखना है आपने। मैं इसमें नट बोल्ट ना लगा के इसमें स्क्रू से आपको लगा के दिखाऊँगा। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, इसको ना बराबर करके अच्छी तरह रखना है आपने। नीचे से भी बराबर करना है और फ्रंट से भी बराबर करना है। पीछे से अगर हल्का फुल्का आपका आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, वैसे तो अगर आपने नाप के बना रखा है तो बराबर ही आएगा। तो फटाफट से ना मैं इसमें स्क्रू लगा देता हूँ, अच्छी तरीके से लगाना है आपने भी। तो ये इसी तरह से हमको दोनों तरफ स्क्रू लगा देना है। अब हम इसके फ्रंट में जो हत्थे हैं उनका डिज़ाइन के लिए दो हमने ऊपर ना पट्टी और तैयार की है 5 इंची में, और ये थोड़ी छोटी रखी है ऊपर से भी 3 इंची हमने। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंची की फोम लगा लेंगे और अपना वही कपड़े पे ना चकोर बर्फ़ी वाला डिज़ाइन बना के ये वाले कपड़े पे हम लोग सिलेंगे और इस पे चढ़ा देंगे। तो जब हम इसको चढ़ा देंगे तो चढ़ाने के बाद हमारे पास इस तरीके का डिज़ाइन बन के आएगा पट्टी पर। तो ये पट्टी को अपने हैंडल पर ना मैं सामने सामने लगा देना है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, आप कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से लगा सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने मशीन से जितना हो सके अच्छे करके इसमें कीले लगा दिए, ताकि ये बाद में निकले ना। इसी तरह आपको अपने दोनों हैंडल पे अच्छी तरीके से चिपका लेने हैं। मेरे पास मैंने 3 सीट बनाई हैं, तो मैं तीनों में इनको लगा लूँगा। लगाने के बाद आपका सोफ़ा देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसा कि ये सामने में वीडियो में आपको दिख रहा है। दोस्तों मैं इसमें लेग लगाते हुए और नीचे काला कपड़ा लगाते हुए वीडियो बनाना भूल गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वैसे तो बहुत इजी है,
केवल आपको पिन करके कपड़ा लगाना है और स्क्रू से पाया लगा देना है। बाकी कुशन बनाना आसान है, इसलिए मैंने कुशन की भी वीडियो नहीं बनाई है, डायरेक्टली मैं कुशन बना के रख के आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को आसान तरीके से आपको समझाने की कि सोफ़ा कैसे बनता है। फिर भी यदि कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करना और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।